2010 blockbuster My Name is Khan that starred Shah Rukh Khan as innocent Rizwan Khan garnered unstoppable love from the audience. But it looks like the filmmaker Karan Johar isn't satisfied with the version of the movie he has made. He thinks that if he could go back in time, he would like to make some changes to make the movie look better. At an event, Karan said, हर फिल्म जब बनती है तो यू नो एक इवैल्यूएशन का मौका मिल जाता है और हम चले जाते हैं उस फिल्म में कि क्या सही था क्या गलत तो हर फिल्म में मुझे कुछ ना कोई खामियां तो हमेशा नजर आ जाती हैं जैसे जैसे माय नेम इज खान में एक सेक्शन था जो मुझे लगा डायरेक्टोरियली मैंने उसे ठीक तरह निभाया नहीं एक हरिकेन का एक सेक्शन था जो मेरी गलती थी और मैंने उसे ठीक तरह नहीं निभाया अगर मैं 10 साल 2009 में जाता जहां उस फिल्म को हम डायरेक्ट हम बना रहे थे तो शायद उस 15 मिनट को मैं अलग करता लेकिन बाकी आई हैव टू से आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म आई एम प्राउड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दैट फिल्म आई एम प्राउड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दैट द फिल्म वाज मेड फॉर एंड आई एम मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम प्राउड या यू कैन टेक देम एनीवेयर यू वांट एंड आई एम प्राउड ऑफ रिजवान खान जो शाहरुख खान ने उस किरदार को निभाया था और उनकी जो मैसेजिंग थी और उनका जो कैरेक्टर और किरदार था आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई एम प्राउड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शिबानी हु रोट दिस फिल्म फॉर मी Thank you. My Name is Khan revolves around an autistic individual named Rizwan Khan who embarks on a journey to meet the president of the US and attempts to change people's perception about his religion.